मतलब ड्राइवर था वो ट्रेन के इंजन खड़ा था प्लेटफॉर्म पे तो एक साधु जो है वो वहां से ट्रैक के आगे से गुजर रहा था और लंबी दाढ़ी उसकी और ऐसे जटा जोट सन्यासी का, है ना तो ड्राइवर बोला मैं इंजन में बैठा बैठा ऐसा सोच रहा था कि ये साधु लोग जो है क्या दाढ़ी वाड़ी रखते हैं क्या नाटक करते हैं सारे ठीक है मैं जैसे ही मन में ऐसा सोच रहा था उस साधु ने एकदम मुझे देखा घूम करके जैसे वो मेरे मन की बात को सुन रहा और देखा और फिर चल के मेरे पास आया वो तो बोला बच्चा तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो तो डर गया बस खैर मैं तो, <laughs> तो मन में सोच रहा था इन महाराज को यार मन की आवाज कैसे समझ में आती तो मैं तो नीचे उतर गया इनके चरणों में गिर गया बाप जी जो है गलती हो गई तो वो के इंजन पे चढ़ के मेरी सीट पे बैठ गया वो उस बोला हम जामसर जाएंगे है ना तो आगे जामसर आता था उस ट्रैक पे तो उसने पूछा महाराज आप जामसर जामसर में रहते हैं आप कहा नहीं नहीं हम तो हिमालय से आए जामसर में साक्षात शिव अवतार रहते है गंगाई नाथ जी मा उनके दर्शन करने जा रहे हैं तो मतलब कई साधु सन्यासी जो सिद्ध थे वो जानते थे कि शिव अवतारी गंगाई नाथ जी हैं तो उनके दर्शन करने हिमालय से लोग आया करते थे हाँ ऐसा गंगाई नाथ जी का जलवा था और 31 दिसंबर 1983 ठीक है पोष का महीना कृष्ण पक्ष की एकादशी और सुबह पांच बजे के आसपास पांच बज के और कुछ मिनट पे गंगाई नाथ जी महाराज जो थे उन्होंने जामसर में जीवित समाधि ली और गुरुदेव ने अपने स्पीच में फरमाया है कि पूरा पूरा जो जो हिंदू कुश पर्वत है पूरा में जो भारत है उत्तर पश्चिमी भारत भूकंप आया भयंकर तो गुरुदेव ने अपने बुक में लिखा है कि गंगाई नाथ जी महाराज के ये देह छोड़ते समय जो भूकंप आया इसे ईसा मसीह का वो जो पीरियड वापस आ जाता है ईसा मसीह को जब सूल पर चढ़ाया गया तो प्रकृति ऐसे महायोगियों से जो बिछड़ती है तो कुपित हो जाती है प्रकृति तो तो वो नहीं चाहते ऐसे ही हो गया से। तो दादा ने के साथ गुरुदेव की नींद खुली और पूरा भूकंप से दहल गया पूरा क्षेत्र तो गुरुदेव को बाद में पता चला कि इसमें गंगाई नाथ जी ब्रह्मलीन हुए थे तो ऐसे लंबे लंबे जटा जूट जो है वो गंगाई नाथ जी को जितने भी लोगों ने उनको देखा उसमें खुशकिस्मत लोगों ने सबका ये कहना था कि अत्यंत शांत मृदुल हंसी उनकी और उनको देखते ही व्यक्ति को अंदर से महसूस होता था कि मैं शिव के सामने बैठा हूँ शिव के सामने खड़ा तो महादेव का जिस तरह का एक और होता है वैसा गंगाई नाथ जी का था गंगाई नाथ जी से जो मांगता है व्यक्ति जैसी चीज जो भक्ति मांगता है उसको भक्ति मिलती माया मांगता है उसको माया मिलती है ठीक है ऐसा वो चमत्कारी स्थल है तो उस जामसर में गंगाई जी की जीवित चेतन समाधि वहाँ जा कर के कोई अगर प्रार्थना करे और गुरुदेव का साथ में ध्यान करने वाला चाहिए मेरा यह मानना है गंगाई नाथ जी ने अपनी सारी आध्यात्मिक जो पूंजी थी वो गुरुदेव को दे दी तो जो गुरुदेव का ध्यान करेगा उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी वो दिव्य मंत्र गुरुदेव का जब जपेगा राधा और कृष्ण का जो मंत्र है तब उसको जो है गंगाई जी से वो लाभ मिलेगा आध्यात्मिक और भौतिक ठीक है फिर आगे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि लेकिन मैं कभी भक्तिहीन मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं होता कोई भी भक्तिहीन आदमी मुझे नहीं पहचान सकता कि मैं कौन वो अज्ञानी जो है जो भक्तिहीन है मुझ कभी न पैदा होने वाले को साधारण पैदा होने वाला और मुझ कभी न मरने वाले को मरने वाला साधारण मनुष्य समझते हैं और मैं जो धार्मिक लोग हैं साधु लोग हैं उनके कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए संसार में विचरता हूँ साधारण मानव के रूप लेकिन केवल भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ तो वो लोग सोच रहे थे गुरुदेव एक साधारण व्यक्ति है कोई बड़ी सिंपल सी बात है जैसे मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ साइंस का व्यक्ति हूँ तो कोई भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा अगर उसको इतनी सी बात समझ में आ जाएगी कि भाई धरती पर कोई एक ऐसी तस्वीर है जिससे प्रार्थना करने से ध्यान लगता है कोई फोर्स कुंडली नहीं कहते हैं वो अवेकन होती है और ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होते हैं डिजीज ठीक हो रही है है ना इंटॉक्सिकेशन नशों से मुक्ति मिल रही है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ठीक हो रही है और सबसे बड़ी बात है व्यक्ति की नेचर चेंज हो रहा है प्रकृति बदल रही है तामसिक से लोग सात्विक हो रहे हैं दुष्ट से लोग अच्छे हो रहे हैं ठीक है तो हमारी सोसाइटी की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी इससे अगर तामसिकता हटेगी लोग सात्विक होंगे तो क्राइम बंद हो जाएंगे इस देश में ठीक है अगर सात्विकता से पढ़ाई में व्यक्ति अच्छा होता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है रोग ठीक होंगे तो और क्या चाहिए व्यक्ति को तो क्या पूरी धरती पे लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि ऐसी एक तस्वीर गुरुदेव दादा गुरुदेव की तो ये ये सिर्फ समय का खेल बचा है है ना हाँ ये होगा या हो नहीं होगा ये प्रश्न नहीं प्रश्न सिर्फ इतना है कि वासुदेव कृष्ण की कब इच्छा है है ना कब इस पूरे प्लैनेट पे ये लोगों को पता चलेगा कि इनकी फोटो से ध्यान लगता है तो गुरुदेव ने आज जो मानवता के कल्याण के लिए हम लोगों के कल्याण के लिए जो मिशन शुरू किया है इस मिशन की शुरुआत जो की है वो बाबा श्री गंगाई जी मतलब मैं तो मानता हूँ दादा गुरुदेव का मिशन है ये चलिए आज हम लोग जो है गुरु सियाग सिद्धियों के इंटरव्यूज़ की जो श्रृंखला है उसमें हम लोग आज एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और बहुत से साधकों का इस प्रकार का प्रश्न रहता है कि गुरुदेव के बारे में तो काफ़ी कुछ जानकारी है लोगों को लेकिन बाबा श्री गंगाई नाथ जी जो गुरुदेव के गुरु हैं तो उनके बारे में कई नए साधक कई पुराने साधकों को भी जानकारी नहीं है और वो जानना चाहते हैं गंगाई नाथ जी कौन थे कहाँ उनका जन्म हुआ कैसे गुरुदेव से उनका मिलन हुआ तो इसी क्रम में हम लोग जो है आज इस कड़ी को आगे ले जाएंगे और आज हमारे साथ गुरुदेव की शिष्या हैं गुरुबहन हैं इनका नाम है कांता चौधरी जी और ये थोड़ा सा जो है प्रश्नों के माध्यम से इस एपिसोड को हम लोग करने का प्रयास करेंगे तो कांता जी स्वागत है आपका जय गुरुदेव सर जय गुरुदेव तो आज आप दादा गुरुदेव के बारे में जानना चाहती हैं थोड़ा सा बताएँ किस प्रकार आज का एपिसोड रहेगा मुझे दादा गुरुदेव के बारे में जानना था कि उनका जन्म कहाँ हुआ उनकी पृष्ठभूमि उन्होंने आराधना कहाँ की कितने साल तक तो ऐसा सुना है कि उन्होंने चौदह साल तक तो बिना कुछ खाए पिए उन्होंने आराधना की तो वो सब चीजें जानने की उनको बहुत जिज्ञासा थी तो सर उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए आप चलिए बहुत बढ़िया तो कांता जी जो है सबसे पहले कहाँ से शुरू करें बताइए आपका पहला प्रश्न क्या रहेगा दादा गुरुदेव के जन्म और उनकी पृष्ठभूमि ठीक चलिए तो हम लोग आज थोड़ा सा गुरुदेव के जो गुरु हैं समर्थ गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के जो गुरु हैं बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी तो उनके थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे मुझे भी लगभग 2003 से गुरुदेव ने अपनी शरण में ले लिया था तो उसके बाद कई कार्यक्रमों में हम लोग रहे और फिर अभी लगभग दो साल तीन साल पहले जो है गुरु माँ का आदेश मान लिया आप उनसे हम आगे लेने के लिए गए थे भाई दादा गुरुदेव क्या जा रहे हैं तो माँ ने थोड़ा सा जो है इशारा किया कि बेटा वहाँ पे भी गुरुदेव का ध्यान का कार्यक्रम होना चाहिए तो फिर हम लोग गए तो फिर गुरुदेव की दादा गुरुदेव की पृष्ठभूमि क्या थी कहाँ जन्मे वो सब जानने का जो मौका मिला तो मैं थोड़ा शुरुआत से बताने का प्रयास करूँगा देखिए दादा गुरुदेव जो हैं वो बेसिकली नाथ संप्रदाय से जो है वो बिलोंग करते हैं उससे संबंधित रहे हैं और नाथ संप्रदाय जो है वो भारत के शैव जो संप्रदाय हैं उसकी श्रेणी में आता है जैसे आपने सुना होगा भारत के अंदर शिव को बजने वाले कई संप्रदाय जैसे अगर आपने नाम सुना हो तो एक तो है लिंगायत संप्रदाय दो तो शिवलिंग धारण करते हैं गले में तो लिंगायत हैं एक कश्मीरी शैव संप्रदाय है जो बिल्कुल ही दार्शनिक संप्रदाय है अभिनव गुप्त ने उसकी किताबें लिखी है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल शिव और शक्ति के दर्शन की ज्ञान की पराकाष्ठा है उसकी बातें करता है और गुरुदेव ने कई बार कहा है कि मैं जिस दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूँ ये ये कश्मीरी शैव दर्शन है तो ये शिव और शक्ति के माध्यम से जो मनुष्य को पूर्णता प्राप्त होती है उस दिशा में है फिर और भी कई संप्रदाय हैं लेकिन वो थोड़े से शिव चूँकि थोड़ा सा भयानक मामला है तो शिव को मानने वाले कई संप्रदायों जैसे कापालिक है वो कपाल में भोजन करते हैं अघोरी है वो शमशान में निवास करते हैं पाशुपत संप्रदाय है जिसके जो संस्थापक जो थे लकुलेश उनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है तो ये कई संप्रदाय हैं लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर कोई एक है तो वो है नाथ संप्रदाय और नाथ संप्रदाय ये मानता है कि नाथ संप्रदाय के जो आदि गुरु हैं वो है भगवान आदिनाथ आदि मतलब सबसे पहले नाथ मतलब पहले नाथ जो है तो आदिनाथ कहते हैं वो भगवान शंकर को तो मानते हैं भगवान शिव जो है वो आदिनाथ हैं और आदिनाथ भगवान शिव ने ही एक मानव रूप में पहली बार जिनको ये ज्ञान दिया नाथ संप्रदाय के अंदर जो पहले गुरु हुए कलयुग के आदि गुरु भी कहलाते हैं है, वो है श्री मच्छेन्द्र नाथ जी महाराज तो एक स्थान आपने कांता जी सुना होगा आ, अमरनाथ पर्वत तो वो जो अमरनाथ पर्वत है वहाँ कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को योग का ज्ञान दिया अमर कथा सुनाई तो मच्छेन्द्र नाथ जी ने उसको सुन लिया और वो अमर हो गए तो फिर मच्छेन्द्र नाथ जी के जो प्रसिद्ध शिष्य हुए जग प्रसिद्ध हुए उनका नाम है गोरखनाथ जी अभी तो भारत में योगी आदित्यनाथ जी का काफ़ी नाम चलता है तो वो भी गोरखपुर मंदिर के पुजारी हैं बेसिकली मठाधीश है वहाँ पे तो गोरखनाथ जी के नाम पे यूपी में गोरखपुर है नेपाल के सारे लोग अपने आप को गोरखा कहते हैं क्योंकि गोरखनाथ जी ने वहाँ के राजा को जिंदा कर दिया था मरे हुए को तो ऐसे चमत्कारी व्यक्ति रहे गोरखनाथ जी महाराज और गोरखनाथ जी के गुरु भाई जो हुए जलंधर नाथ जी जलंधर नाथ जी ने पंजाब के जलंधर में आराधना की राजस्थान में एक जालोर जगह है वहाँ पे ऊपर सिरे मंदिर है पहाड़ी के ऊपर वहाँ जलंधर नाथ जी की तपोभूमि है तो नाथों की बड़ी भारी माया है तो और इसी नाथ संप्रदाय के कहा जाता है गुरुदेव ने भी कई बार इस बात का उल्लेख किया और मैं चूंकि दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने थोड़ा दर्शन की किताबों में भी पढ़ा कि भगवान शिव और पार्वती जो हैं वो एक बार विराजे तो पार्वती जी ने उनको उलाहना दिया शिव जी को कि सब शिव ही शिव के उपासक हैं मेरे भक्त कहाँ हैं मेरा संप्रदाय कहाँ है तो फिर भगवान शंकर के आदेश से गोरखनाथ जी ने इस नाथ संप्रदाय को बारह भागों में बांट दिया उन बारह भागों में जो ग्यारह भाग हैं वो शिव उपासक है शिव को बचते हैं लेकिन जो बारवा भाग है वो माई को बचता है महाराष्ट्र साइड में माई मम्मी या माँ को आई कहा जाता है ठीक है तो ये जो संप्रदाय के लोग हैं ये आई पंथी कहलाते हैं आई मतलब माई का पंथ शक्ति शक्ति को भजने वाले लोग तो दादा गुरुदेव बाबा श्री गंगाई नाथ जी जो थे वो नाथ सन्यासी थे नाथ योगी थे और कहते हैं कि नाथ संप्रदाय में ये ज्ञान था और योग का ज्ञान धीरे 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 मानवता के लिए लुप्त सा हो गया था तो भगवान शिव ने फिर अवतार लिया बाबा श्री गंगाई नाथ जी साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं योग का ज्ञान पृथ्वी पर लुप्त हो गया था तो वो केवल शिव ही दे सकते हैं उस ज्ञान को तो उस रूप में गंगाई नाथ जी ने वापस शिव के रूप में जो है अवतार लिया गंगा के नाथ है ना गंगा के नाथ आप जानते हो कौन है है ना तो भगवान शिव ही हैं तो गंगाई नाथ जी साक्षात शिव के अवतार हैं और उनके अलावा सच बात है कि अवतार का गुरु कोई बन भी नहीं सकता था जैसे गुरुदेव दस्यु अवतार हैं कल अवतार है। कल ये आज तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में पूरी दुनिया कहेगी जो गुरुदेव के शिष्य हैं वो तो जानते हैं इस बात को लेकिन जो अज्ञानी संसार है वो नहीं समझता कि मानवता के कल्याण के लिए दसवें अवतार स्वयं आ चुके हैं विष्णु के जो दसवें अवतार हैं वो समझ सद गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के रूप में गुरु रूप में आए इस बार और कल की कहा गया है उनको तो कल की अवतार के गुरु बनने की सामर्थ्य किसी साधारण गुरु में हो भी नहीं सकती थी भगवान शिव ही उनके गुरु हो सकते हैं तो इसलिए जो है इस बार गुरु रूप में आए गंगाई नाथ जी महाराज एक बार गुरुदेव ने मजाक में कहा भी था कि इस बार जो है शिव और कृष्ण में पैक्ट हुआ है <laughs> तो शिव जो है गुरु बन के आए हैं और फिर जो है भगवान वासुदेव कृष्ण के अवतार हैं गुरुदेव कृष्ण अवतार हैं तो वो फिर उसके बाद आए काम करने के लिए आए तो गुरुदेव का गुरु बनने का जो एक सम्मान है वो शिव को ही मिल सकता था तो गंगाई नाथ जी आए ताकि गुरुदेव के गुरु बन सकें और गंगाई नाथ जी ने जगदम्बा को सम्मान देने के लिए शक्ति को सम्मान देने के लिए आई पंथ में आए वो तो आई पंथी जो है वो उनके नाम के आगे आई लगता है जैसे गुरुदेव का नाम दादा गुरुदेव का नाम गंगा नाथ होता है यदि वो आई पंथी ना होते चूँकि वो आई पंथी हैं तो उनके नाम के आगे आई लग गया तो गंगा से हो गया गंगाई तो गंगाई नाथ जी हो गए तो ये एक बार वह भागनाथों का ऐसा है जो शक्ति को उपा शक्ति उपासक है और शक्ति को बचता है और शायद यही कारण है कि शक्ति जागृत भी होती है इन्हीं के पास शक्तिपात की जो है वो सामर्थ्य है तो गंगाई नाथ जी महाराज एक तो नाथ संप्रदाय में आए आई पंथी थे गुरुदेव के गुरु बने और शिव अवतार हैं इसमें कोई राय नहीं थोड़ा सा जन्म की अगर अपन बात करें गंगाई नाथ जी के तो चूंकि हम लोगों को बाद में प्रोग्राम करने का मौका मिला उनके जन्मभूमि पे तो हम लोग गए तो राजसमंद ज़िले में गांव पड़ता है सीरमा वहाँ रावत रावत एक जाति है जो अपने आप को पृथ्वीराज चौहान का वंशज मानती है और मुग़लों से लोहा लिया इन्होंने तो ये बड़े दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में औरंगजेब के समय लोहा लिया इन्होंने धर्म नहीं छोड़ा अपना तो ये चौहान पृथ्वीराज के वंशज हैं तो उसी रावत कुल में क्षत्रिय कुल में गंगाईनाथ जी महाराज का जो है वो जन्म हुआ और सिरमा गांव में आपका जो है अवतरण हुआ और कहते हैं मैं उनके परिवार के लोगों से मिला उनके चाचा वगैरह भी वहाँ पर अभी अभी तक हैं गंगईनाथ जी ने चूँकि शादी नहीं की थी तो उन्होंने बताया कि शुरू से ही बड़े धीर गंभीर किस्म के कम बात करने वाले और अपने में मग्न रहने वाले जो है इस तरह के व्यक्ति थे और उनका परिवार बड़ा गरीब जो है पशु चराया करते थे गंगाई नाथ महाराज जो है अपने बाल्यकाल में जैसे भगवान कृष्ण ने गोए चराई वैसे ही पशु चराए उन्होंने तो वो भूमि हम देख के आए जहाँ उनके चरणों की रज धूली थी हमने माथे पर लगाया गुरुदेव की असीम कृपा से वहाँ ध्यान का कार्यक्रम भी करवाया है ना चार पाँच हज़ार लोग आए उस कार्यक्रम में तो बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा सीरमा बड़ा एक जबरदस्त स्थान है जहाँ आपका जन्म हुआ फिर उन्होंने फैमिली वालों ने बताया कि आप जो है पाली जिले के अंदर एक उसमें कपड़े की मिल हुआ करती थी उम्मीद मिल उसमें कुछ दिनों तक जो है आपने है ना परिवार के भरण पोषण के लिए जो है वो कार्य किया लेकिन फिर आपका संसार में मन नहीं लगता था तो बहुत जल्द आप जो है वो सब सांसारिक जीवन छोड़ करके आराधना के लिए हिमालय की तरफ चले गए तो हिमालय में रह कर के ऐसा कहा जाता है काशी में जब भगवान विश्वनाथ का मंदिर है शंकर का वहाँ भी रहे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी समय तक रह के आराधना की और गुरु की तलाश में जो है वो घूमते घूमते भटकते भटकते उनको वो जो तो तलाश थी वो उनको ले आई पाली जिले में जो है एक रावली टाटगढ़ अभयारण्य है तो उस अभयारण्य के अंदर एक स्थान है जहाँ पे प्राचीन काल से नाथ संप्रदाय के लोग जो है वो आराधना कर रहे थे और वहाँ पे गंगाई नाथ जी महाराज के जो गुरु थे उनका नाम था श्री भावुनाथ जी महाराज तो भावुनाथ जी ने अपने गुरुत्वाकर्षण से मान लीजिए जो भी है और गंगाई नाथ जी महाराज को खींच के अपने पास बुला लिया और कहते हैं कि इन नाथ गुरुओं के पास शक्तिपात दीक्षा की सामर्थ्य थी शक्तिपात का अर्थ गुरुदेव ने कई बार समझाया भी है कि जैसे मान लीजिए कोई एक दिया जल रहा है जैसे गुरुदेव एक जलता हुआ दिया है गंगाई नाथ जी एक जलता हुआ दिया है जिसमें ज्योति है और हम मानव रूप में हमारे अंदर कोई ज्योति नहीं हम बुझे हुए दिया दिए के अंदर तेल बाती सब तैयार है बस ज्योति नहीं है तो गुरु जो होता है वो क्या है वो इस तरह का मामला है कि शक्तिपात जब करता है तो अंदर स्थित शक्ति को जगा देता है वो जो जो अग्नि है उसको प्रज्वलित कर देता है तो उसे शक्तिपात कहते हैं तो भावुनाथ जी महाराज ने गंगाई नाथ जी को शक्तिपात दीक्षा की सामर्थ्य दी गुरुपद दे दिया सिद्ध आसन जो था नाथों का वो दे दिया कभी मौका मिले तो आप लोगों को काजलवास जरूर जाना चाहिए जहाँ भावुनाथ जी जा की समाधि है ग्यारह जीवित समाधियाँ हैं नाथ योगियों की जीवित समाधियाँ ली उन्होंने और वो ऐसा मतलब कई गुरु भाइयों को तो अनुभूत हुआ कि वो ब्रह्मांड की आध्यात्मिक राजधानी है काजलवास ऐसा जबरदस्त वहाँ जो है वो मतलब एक तो जंगल है वहाँ पे भी जो है वहाँ पे शेर और बगैर भालुरूर जंगली जानवर सारे घूमते हैं और ग्यारह जीवित समाधियाँ क्या भयंकर तो वहाँ ध्यान लगता है ऐसा लगता है साक्षात भगवान शिव यहाँ विराजमान है कैलाश पर शायद लगता होगा ऐसा ध्यान वैसा ध्यान जो है वहाँ लगता है तो वहाँ धुंधला धोरमनाथ जी की समाधि भी है ठीक है तो बड़ी सिद्ध स्थान है तो वहाँ भावुनाथ जी से गंगाई जी ने जो है वो दीक्षा ली फिर ऊपर एक जगह है गोरम घाट वहाँ कहते हैं दादा गुरुदेव ने बाबा श्री गाई नाथ जी ने काफ़ी वर्षों तक जो है वहाँ जंगलों में पहाड़ियों में वो एक ऐसा एस, एरिया है जहाँ से आगे फिर मेवाड़ शुरू हो जाता है भावुनाथ जी ने दादा गुरुदेव को दीक्षा दी गुरुपद दिया और फिर उन्होंने वहाँ गोरम घाट में रहकर काफ़ी समय तक आराधना की उन पहाड़ियों के अंदर आज दो में भी अगर वहाँ जाएँ तो डर लगता है क्योंकि वह बगैर घूमते हैं ठीक है तो हिंसक वन्य पशुओं से भरा ख़तरनाक तो वो क्षेत्र है और उस समय गंगेनाथ जी ने तो 1983 में समाधि ले ली थी तो उससे पहले जब वो रहते होंगे तो कैसा भयानक वो जंगल रहा होगा कैसे कैसे हिंसक पशु पक्षी वहाँ रहे होंगे तो पर ये तो शिव है तो ये रह सकते हैं हम लोग तो नहीं रह सकते वहाँ पर तो वहाँ रह के आपने तपस्या की और फिर गंगाई जी महाराज जो है उनको चूँकि गुरुदेव का गुरु बनना था है ना ऐसा ही लगता है गुरु भाइयों को कि गुरुदेव के जीवन के द्वारा ही मानवता कल्याण होना है तो वो गुरुदेव विरासते थे बीकानेर के अंदर तो इसलिए फिर गंगाई नाथ जी महाराज जो है वो गुरुदेव विरासते थे तो बीकानेर शहर में और बीकानेर शहर से 27 किलोमीटर आगे पंजाब की तरफ अगर अपन जाते हैं गंगानगर हाईवे आता है तो वहाँ एक जगह है उस जगह का नाम है जामसर तो कहते हैं गंगाई जी महाराज जो है वहाँ पर पधारे और वहाँ आपने जो है वो आराधना की वहाँ खूब सारे दादा गुरुदेव के जीवन से संबंधित बड़े चमत्कारिक वहाँ के कथानक हैं कभी सुनने को मिलता है कहते हैं एक बार तो कोई व्यक्ति उसने पैसे मांगे उनसे उसने कहा कि मेरे बेटे की शादी करनी है और गंगाई जी महाराज ने तो वहाँ जो सेठ था उसने कहा कि अगर ये बाबा कहे तो दूध रो पैसा वरना तेरा मुझे विश्वास नहीं तो कहते हैं उसने पैसे लिए लेकिन बाद में उसने चुकाए नहीं जो भी कारण रहा उसका तो सेठ ने गंगाई नाथ जी से शायद कहा कि भाई आपने कहा था तो कहते हैं कि जामसर जो है वहाँ पे जिप्सम निकलता है बहुत एक अच्छा मिनरल है जिप्सम वो निकलता है तो गंगाई नाथ जी महाराज ने वो पैसे चुकाने के लिए वो जिप्सम की जो खान है वहाँ काम किया मजदूरी की भलाई के लिए पैसे दिए थे वो अगले ने चुकाए नहीं तो फिर गंगाई नाथ जी ने वहाँ पे काम किया ठीक है और कई लोगों की आंखों देखी बातें हैं वो बताते हैं कि जो जिप्सम के अंदर वो वहाँ क्या होता है ऐसे वो तगारी होती है उसे उठा करके ले जाना होता है सिर के ऊपर कि गंगाई नाथ जी चलते थे तो तगारी उनके सिर से एक फीट ऊपर चलती थी अपने आप ही तो आते तो लोग देख के हो कोई तो डर जाते थे कोई कहते थे तो कि बाबा चमत्कार ही है सेठ ने भी कहा कि बाबा आप मत करो काम मेरे यहाँ पे मैंने कहा नहीं बेटा पैसे चुकेंगे तब तक तो करना पड़ेगा तो ऐसे चमत्कारी कहते हैं वहाँ एक दिन ट्रेन का इंजन था वो जो है वो गिर रहा था गंगाई नाथ जी ने ना हाथ से उसको रोक लिया गिरती हुई ट्रेन को ठीक है और एक में इधर गंगा गंगा नाथ जी एक अलग संत हुए उनकी समाधि पे हम लोग गए थे इधर गोरम घाट से आगे बढ़ती है तो वहाँ एक संत थे उन्होंने स्टोरी सुनाई थी गंगाई नाथ जी की कि गंगाई नाथ जी ट्रेन से आ रहे थे अब संत महात्मा तो बेचारे ट्रेन से आते जाते हैं तो उनके पास तो कुछ होता नहीं है धन माया तो कहते हैं कि वहाँ कोई टीटी था वो थोड़ा दुष्ट किस्म का था उसने कहा कि ये तुम साधु संत जो है ट्रेन में आ जाते हो फ्री में ऐसे ऐसे करके उसने जो है ट्रेन रोक के गंगाई जी को नीचे उतार दिया ट्रेन से अच्छा। कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो नीचे उतर जाओ तो वो उतर करके गंगाई नाथ जी वहाँ पास में एक पेड़ है उस पेड़ की छाया में बैठ गए ठीक है लोगों ने खूब मन्ना किया करे बहुत सिद्ध संत है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वो टीटी तो मूर्ख था अज्ञानी रहा होगा शिव को नहीं पहचान पाया तो कहते हैं उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन से उतरे तो फिर वो इंजन पूरा जोर लगाए लेकिन वो पहिए वहीं घूमे वो ट्रेन आगे न बढ़े ठीक <laughs> है तो फिर वो जो टीटी -टी था उसको ड्राइवर ने बोला पता नहीं ये क्या हो रहा है तो उन्होंने एक दूसरा इंजन और मंगाया पास में बीकानेर से पास ही ज़्यादा दूर है नहीं तो कहते हैं दो दो इंजन ने जोर लगाना शुरू किया फिर भी वो ट्रेन जो वहीं की वहीं तो फिर वो जो रेलवे के अधिकारी वगैरह आए उन्होंने पूछा क्या हुआ क्यों पता नहीं मैं तो एक बाबा को उतारा था उसके बाद से ट्रेन ही नहीं चल रही पता नहीं क्या हो गया कहाँ हो बाबा <laughs> तो सब ने उसका डाँटा के मूर्ख किसको उतार दिया तूने <laughs> सब गए दादा गुरुदेव से फिर उन्होंने अनुनय विनय किया और फिर जाके वो ट्रेन जो है वो रवाना हुई बरसात नहीं होती थी जामसर के आसपास रेगिस्तानी क्षेत्र है बीकानेर ठीक है तो गांव के लोग सब गए कि बाबा पशुओं के चारा नहीं है जानवर मर रहे हैं है ना तो जहाँ जी ने कहा मतलब मौसम भी नहीं था उसमें बरसात का और गंगाई जी से उन्होंने प्रार्थना की कि बाबा जी जो है ऐसा है तो उन्होंने कहा ठीक है अगले दो तीन दिन बारिश होगी तो लगातार तीन दिन जो है उनके बोलते ही तीन दिन तक लगातार जो है वो बारिश हुई मतलब वो शिव थे तो वो कुछ भी चमत्कार दिखा सकते थे और जो सबसे बड़ा चमत्कार लोग वहाँ मां मानते हैं गंगाई नाथ जी का वो कहते हैं कि दस वर्ष तक उन्होंने भोजन नहीं किया अब चूंकि मैं जैसे विज्ञान क्षेत्र का व्यक्ति हूँ तो मुझे सुनकर के बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ तो मैं गुरुदेव के इस पीछे सुन रहा था कि गुरुदेव का क्या कहना है इस मामले में तो गुरुदेव ने अपने कई स्पीच में इस बात का उल्लेख किया है कि मेरे गुरु गंगाई नाथ जी ने दस वर्षों तक जो है वो भोजन नहीं किया फिर गुरुदेव की बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली गुरुदेव जो है वो एक शिष्या थी गुरुदेव की वो गुरुदेव से पूछ रही थी तो गुरुदेव मजाक में बता रहे थे उसको कि मैं शुरू शुरू में जब गया था ना गंगाई नाथ जी पर तो मेरी श्रद्धा नहीं थी उनको तो मुझे लोगों ने बताया कि इन्होंने दस साल से भोजन नहीं किया है तो मैंने वहाँ के लोगों को बोला कि रात को छुप के खा लेता होगा क्या जरूर <laughs> तो वहाँ तो लोग तो उन्होंने बोला है भैया दिन रात लोग रहते हैं ऐसे कैसे चुपके खा लेते होंगे ये तो छः महीने का तो मौन रखते हैं और छः महीने के मौन का मतलब है छः महीने तक तो आके भी बंद किसी की तरह तो, अब, अब, हम लोग तो मौन करते हैं तो हाथ से इशारा करते हैं ये करो ऐसे करो ऐसे करो कुछ बोल देते हैं गंगाई नाथ जी छः महीने का मौन रखते थे तो उसका मतलब छः महीने तक तो दरवाजा बंद बार पट्टी लगा देते थे गेट के ऊपर कि भाई मौन है अभी छः महीने का मौन है इसको कहते हैं मतलब अंतरदृष्टि अंतरलक्षित है वो वो अंदर ही थे तो गुरुदेव भी एक बार मजाक बताया कि वैसे वैसा फिर बाद में गुरुदेव के स्पीचेस में मैंने सुना गुरुदेव ने कहा कि बेटा क्या होता है कि यहाँ एक जहाँ एक गड्ढा से दिखाई देता है या एक विशुद्ध चक्र होता है विशुद्धि चक्र और उसकी जब सिद्धि हो जाती है विशुद्धि चक्र की तो क्या होता है कि जैसे हम लोग साइंस में मानते हैं कि मैटर के तीन फॉर्म हैं सॉलिड लिक्विड और गैस तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाते हैं या तो सॉलिड फॉर्म में होता है या तो लिक्विड फॉर्म में होता है पर ये जो दिव्य योगी होते हैं ये क्या करते हैं जो तीसरी गैशियस फॉर्म है जो तीसरी अवस्था है पदार्थ की उस प्राण के स्तर से उस गैस के रूप में डायरेक्ट जो है वो अपनी एनर्जी को ले लेते हैं ब्रह्मांड से तो उनको सॉलिड और लिक्विड खाने की जो है वो आवश्यकता नहीं पड़ती तो ऐसे महायोगी गंगाई नाथ जी महाराज और उनका एक शिष्य था ऐसा कहते हैं कि आसाम साइड में वो चाय बेचता था उनके लिए तो दिन में एक आध बार वो चाय के एक घूट लिया करते थे है ना और गुरुदेव ने अपने स्पीच में कहा दस साल कोई भोजन नहीं खाया और कोई चेंज नहीं शरीर के अंदर एक भी बाल सफ़ेद नहीं और मैं तो दोनों समय खाना खाता हूँ तो भी <laughs> अभी युवाओं के पाँचवें छठे क्लास के जो बच्चे हैं उनके भी बाल सफ़ेद आ रहे हैं तो ऐसे लंबे लंबे जटा जूट जो है वो गंगाई नाथ जी को जितने भी लोगों ने उनको देखा उसमें खुशकिस्मत लोगों ने सबका ये कहना था कि अत्यंत शांत मृदुल हंसी उनकी और उनको देखते ही व्यक्ति को अंदर से महसूस होता कि मैं शिव के सामने बैठा हूँ शिव के सामने खड़ा हूँ तो महादेव का जिस तरह का एक और होता है वैसा गंगाई नाथ जी का था एक कोई मैं उसको शिष्य का सुन रहा था वो बता रहा था कि गंगाई नाथ जी महाराज से उसने जा के बोला कि बाबा जो है पैसे नहीं है मेरे पास तो है तो उनका बेटा भजन करो कह रहे कि आप ये रोज़ भजन करो भजन करो करते हो आप तो सन्यासी आदमी हो हमारे तो घर गृहस्थी बच्चे सब कुछ है हमारे पास तो पैसे नहीं ठीक है खाली भजन करो भजन करो से क्या होगा तो उन्होंने बोला बेटा भजन करने से सब होगा कि कैसे होगा तो वो जिस आसन पर विरासते थे जामसर की घटना है उस आसन को उन्होंने ऊपर करके दिखाया कि ये देख <laughs> तो नीचे नोटों की गड्डियों गड्ढियाँ जमी हुई पड़ी आसन के नीचे वो देख करके वो कहे बाबा जी के पास इतने इतने पैसे कहाँ से आए ठीक है वो बोला ये देख भजन करने से लेकिन तेरे को दे नहीं सकता मैं ये ठीक है फिर वापस आसन ऐसे कर दिया उन्होंने वो भक्त तो जो था अब उसके मन में लालच आया भगवान जन ने क्या भाव आया वो वहाँ से गया नहीं वो वही बैठा रहा तो गंगनाथ जी समझ गए होंगे तो शिव थे तो अंतर्यामी थे कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ भाव है तो वो कुछ बहाना बना के उठ के वहाँ से गए कि भाई मैं वन जाके आता हूँ ऐसे है ना तो उनके जाते ही वो उनके सामने बैठे थे वो वो जैसे उठ करके गए वहाँ और कोई था भी नहीं आश्रम में तो उस भगत ने उनके जाते बोला कभी एकाध गड्डी में निकाल लेता हूँ तो उसने जैसे गद्दी हटाई तो सब गायब <laughs> वो जो माया उन्होंने दिखाई थी <laughs> वो पूरी की पूरी गायब एक भी गड्डी नहीं वहाँ पे बोले यार अभी बैठे थे तब तक तो थी ये उठ के गए तो ये कहाँ गायब हो गई ठीक है तो ऐसे मतलब चमत्कार की जो और वो भक्त बता रहा था कि गंगाई जी से जो मांगता है व्यक्ति जैसी चीज जो भक्ति मांगता है उसको भक्ति मिलती है माया मांगता है उसको माया मिलती है ठीक है ऐसा वो चमत्कारी स्थल है तो उस जामसर में गंगाई जी की जीवित चेतन समाधि वहाँ जा कर के कोई अगर प्रार्थना करे और गुरुदेव का साथ में ध्यान करने वाला चाहिए मेरा ये मानना है गंगाई नाथ जी ने अपनी सारी आध्यात्मिक जो पूंजी थी वो गुरुदेव को दे दी तो जो गुरुदेव का ध्यान करेगा उसकी कुंडली शक्ति जागृत होगी वो दिव्य मंत्र गुरुदेव का जब जपेगा राधा और कृष्ण का जो मंत्र है तब उसको जो है गंगाई नाथ जी से वो लाभ मिलेगा आध्यात्मिक और भौतिक ठीक है ये है दादा गुरुदेव की थोड़ी सी पृष्ठभूमि बहुत अच्छा लगा दादा हाँ। गुरुदेव के बारे में इतनी अच्छी जानकारी सुन के इसी कड़ी में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगी सर कि गुरुदेव है अपने गुरुदेव रामलाल जी सियाग वो दादा गुरुदेव से कैसे मिले थे जी हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और सारे गुरुदेव के जो शिष्य हैं उनके दिल के निकट भी है ये बात तो देखिए गुरुदेव के और गंगाई नाथ जी के मिलने की स्टोरी भी बहुत रोचक है उसमें क्या रहा स्थिति तो ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव जो थे चूँकि गुरुदेव अवतार हैं अरविंद ने स्पष्ट लिखा है कि 24 नवंबर 1926 को वो जो परमात्मा है वो जो पराशक्ति है वो मानव देह धारण करके वो कृष्ण अवतरित हो गए तो गुरुदेव के रूप में वो आ गए फिर आगे लिखा है कि वो अपने क्रमिक विकास के सिद्धांत को अपनाते हुए फिर वो जो मानव जाति का कल्याण करेंगे यानी वो जो अवतार आएगा तो वो खुद भी विकास के उस क्रम को दोहराएगा साधारण मानव के रूप में आएगा फिर आराधना करेगा फिर उ, उसकी कुंडलिनी जागृत होगी फिर वो समाधि की स्थिति तक पहुँचेगा उसका पहले खुद का विकास होगा फिर वो उसी विकास को जो है वो आगे करेगा तो गुरुदेव ने अपने स्पीचिस में कहा है कि मेरी भी जागृत हुई है कुंडलिनी मैंने भी गुरु कृपा से अपनी शक्तियों को चेतन करके और जो है अपने उपयोग में लिया तो मैं जिस गांव गया हूँ उस गांव जाने का रास्ता आपको बता सकता हूँ तो गुरुदेव ने खुद ने पहले ये की आराधना अपने अंदर सिद्ध किया कि ऐसा किया जा सकता है और सबसे गजब बात जो मुझे लगती है गुरुदेव के साथ वो ये लगती है कि चलो गंगाई जी महाराज तो सन्यासी थे हालांकि सन्यास का मार्ग बहुत कठिन है लेकिन जैसे मैं गृहस्थी हूँ आप गृहस्थी हैं तो ज़्यादातर लोग जो गुरुदेव शिष्य हैं वो गृहस्थी हैं गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति क्या आराधना कर सकता है ये प्रश्न कई बार मन में उठता है है ना कि हिमालय में रहने वाले सन्यासी तो कर सकते हैं उनमें तो वो शक्ति है लेकिन गृहस्थ में माया में फंसा हुआ आदमी तो गुरुदेव ने तो गृहस्थ में रहते हुए पांच बच्चे थे गुरुदेव के ठीक है एक माँ थी उनका भार था परिवार था पूरा और साधारण सी नौकरी रेलवे के अंदर गुरुदेव की तो उस माहौल में गुरुदेव ने सुबह तीन घंटे नामजप दो घंटे शाम को नाम जप करके सिद्ध किया कि गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हो आप ठीक है तो गुरुदेव की थोड़ा सा गंगाई नाथ से मिलने की स्टोरी पे थोड़ा सा प्रकाश डाले हैं हम लोग भाई गुरुदेव जो है वो रेलवे में काम करते थे बीकानेर के अंदर है ना हेटलर थे गुरुदेव और गुरुदेव के जीवन में एक ऐसी स्थिति आई कि गुरुदेव को मृत्यु का भय लगा तो गुरुदेव अपने मित्र थे एक रेलवे में काम करते थे यूपी के ब्राह्मण थे दुबे साहब है ना श्री राम दुबे तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी डॉक्टर को आप कितना ही दिखाओ डॉक्टर ने क्या बोला गुरुदेव ने कहा मुझे मृत्यु का भय लग रहा है डॉक्टर ने कहा आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है तो बोले डॉक्टर पकड़ भी नहीं सकते उसको आपकी एक्चुअली क्या है राशि की ये समस्या है आपकी कुंडली में जो मार्केश की दशा आ गई तो गुरुदेव ने पूछा भाई क्या होती है मुझे पता नहीं तो शनि की बड़ी खतरनाक वक्र दशा होती है वो मार्केश की दोनों ने बताया कि इसका मतलब एक तरह से मृत्यु का बुलावा आ गया, आ गया आपका ठीक है तो गुरुदेव ने कहा तो फिर आ गया तो आ गया है मृत्यु तो सबको आएगी यहाँ तो कोई अमर तो आया नहीं अवतारों को भी जाना पड़ा है तो उन्होंने फिर गुरुदेव को बताया कि आप आराधना करो महामृत्युंजय की करो वो गुरुदेव ने मना कर दिया फिर का गायत्री करो तो गुरुदेव ने वो आराधना की तो गंगाई नाथ जी से गुरुदेव जुड़े 1983 में और गुरुदेव ने गायत्री की आराधना की 1968 में और 69 में न्यू ईयर के दिन गुरुदेव को जो है वो गायत्री की सिद्धि हो गई अब थोड़ा सा आध्यात्मिक जगत में अगर हम समझने का प्रयास करें तो इस संसार में ईश्वर की पूजा करने के दो ही तरीके हैं या तो आप निर्गुण निराकार फॉर्मलेस क्योंकि उसका शेप नहीं ईश्वर का या तो उस रूप में पूछा जैसे इस्लाम में पूछा जाता है हिंदुओं में गायत्री की आराधना है फॉर्मलेस की आराधना है ईसाइयत में है वो भगवान की कोई शेप नहीं मानते दूसरा तरीका है जैसे हिंदू मानते हैं भगवान की शेप है सगुण साकार रूप में तो दो रूप हो गए एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार तो गुरुदेव को गंगाई नाथ जी से मिलने से पहले ही 1968 में आराधना की गायत्री की सिद्धि होगी सिक्सटी नाइन में न्यू ईयर के दिन तो गुरुदेव को निर्गुण निराकार की सिद्धि पहले हो गई थी अच्छा। फिर गुरुदेव ने मैं गुरुदेव की डायरी है आजकल तो प्रकाशित भी कर दी है जोधपुर आश्रम ने बहुत अच्छा आप भी जोधपुर आश्रम से वो किताब भी मिल जाएगी सौ रुपये में आती है कभी मौका मिले तो उसमें गुरुदेव की पूरी डायरी भी है और बाकी ऑनलाइन भी गुरु भाई जो है गुरुदेव की डायरी के कुछ अंश भेजते रहते हैं उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें गुरुदेव ने लिखा कि भाई सिक्सटी में मुझे जैसे गायत्री की सिद्धि हुई हल्ला मच गया वो वो अपने वीडियोज में देखा ही है वो सारे पुष्करणा ब्राह्मण समाज के लोग बड़े ज्ञानी हैं बीकानेर के वो आए गुरुदेव से कहा कि आपको गायत्री मतलब उन्होंने गुरुदेव से कहा कि आप तो सत्युग के आदमी हो गए hmm. सत्युक में होती थी गायत्री की सिद्धि कलयुग में तो भगवान शिव ने इसको अपने त्रिशूल से कील रखा है इस मंत्र को आपको सिद्धि कैसे हो सकती है अब उनको पता नहीं गुरुदेव स्वयं विष्णु का अवतार तो है शिव जी बाकियों के लिए तो खेल सकते हैं लेकिन अवतार जो है उसके तो गुरु बन के खुद गंगाई नाथ जी शिव रूप में आए तो वो सोच रहे थे गुरुदेव के साधारण आदमी भाई भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है मैं जो है जब जब धर्म की हानि होती आता हूँ यहाँ तक तो सब जानते हैं फिर आगे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि लेकिन मैं कभी भक्तिहीन मनुष्यों के सामने प्रकट नहीं होता कोई भी भक्तिहीन आदमी मुझे नहीं पहचान सकता कि मैं कौन वो अज्ञानी जो हैं जो भक्तिहीन हैं मुझ कभी न पैदा होने वाले को साधारण पैदा होने वाला और मुझ कभी न मरने वाले को मरने वाला साधारण मनुष्य समझते हैं और मैं जो धार्मिक लोग हैं साधु लोग हैं उनके कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए संसार में विचरता हूँ साधारण मानव के रूप में लेकिन केवल भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ तो वो लोग सोच रहे थे गुरुदेव एक साधारण व्यक्ति हैं भाई उन्होंने भी थोड़ी अकल लगाई होती है कभी ब्राह्मणों ने उस समय जो वहाँ थे कि भाई जब शिव ने कील रखा है किसी को सिद्धि नहीं हुई तो इस व्यक्ति को सिद्धि हो गई तो ये कुछ तो स्पेशल है तो वो ऊपर भक्तिहीन थे तो शायद समझ नहीं पाया कि गुरुदेव अवतार तो गुरुदेव को निर्गुण निराकार की सिद्धि पहले हुई गायत्री की हुई नाइनटीन में तो गुरुदेव ने अपनी डायरी में लिखा है कि जब ये सिद्धि हुई मुझे तो मुझे लगा कि यार ये मंत्र क्या है शब्दों का एक समूह तो है ये थोड़े से शब्दों में इतनी गजब की शक्ति होती है कि जो मतलब गुरुदेव ने गायत्री सिद्धि के बाद वो सारे अनुभूत किए जो जो चेंजेस आने चाहिए जो शास्त्रों में लिखे तो फिर उसके बाद जो है गुरुदेव ने कहा कि मुझे लगा कि यार मंत्रों के इसमें अगर इतनी शक्ति होती है तो फिर जो है दूसरा कोई मंत्र जब के देखता हूँ तो फिर उन्होंने देखा कि सबसे शक्तिशाली कौन है कि भाई भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं हिंदू धर्म में तो अब गायत्री की फ़ोटो जहाँ रखी हुई थी उसको हटा करके उसकी सिद्धि हो गई वह भगवान कृष्ण की फोटो रख दी गुर्देव ने और वही उनका गुर्देव का रोज़ का रूटीन सुबह जो है तीन एक बजे के आसपास उठना और वो चार बजे से लगा करके पाँच छः सात आठ मतलब तो तीन चार घंटे सुबह करते थे सात से आठ नौ ऐसा कुछ करते थे गुरुदेव तीन घंटे सुबह नाम नामजप करते थे और शाम को भी करते थे दो घंटे सात से नौ शाम को करते थे और सुबह चार बजे से जो है तीन घंटे करते थे पाँच छः सात बजे तक तो पाँच घंटे रोज़ नाम नामजप करने लग गए कृष्ण भगवान का एक बीज मंत्र था उसको जपने लग गए गुरुदेव ठीक है अब गायत्री की तो आराधना गुरुदेव ने केवल ढाई तीन महीने की उसमें उनको सिद्धि हो गई कृष्ण भगवान की करते 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 तो उनको तीन साल हो गए तो एक दिन गुरुदेव के मन में आया कि यार गायत्री से तो कोई मैंने गुना ज़्यादा नाम जब ये कर लिया मुझे परिवर्तन तो कुछ भी नहीं आया तो जैसे ही विचार आया तो गुरुदेव यू जैसे यो तिरछा होकर देखे तो यहाँ एक परछा ही दिखे गुरुदेव का ऐसे पूरा घूम के देखे तो कोई परछा ही नहीं तीर्थ न से देखे तो पीछे परछा ही दिखे गुरुदेव का यार ये क्या हो गया मैं है ना हाँ फिर गुरुदेव ने कहा दिख रहा है तो दिखने नहीं तो कुछ बिगाड़ तो रहा नहीं अपना है ना तो करते रहे करते रहे फिर गुरुदेव को लगा यार अपने को जानकारी तो है नहीं ये ऐसे गुरुदेव ने लिखा है उसमें डायरी में तो छोड़ देते अपने इसको तो गुरुदेव ने उसको छोड़ा तो छोड़ते ही गुरुदेव को सुबह गुरुदेव सो रहे थे अपने शायद गांव में बीकानेर में पलाना में सो रहे थे सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव को एक आवाज़ सुनाई थी कि बेटा अब इस मंत्र में बाकी सब अक्षर हट्टा करके केवल कृष्ण कृष्ण शब्द का जप करो तो उसमें हो सकता है गुरुदेव ने आगे ओम यानी प्रणव होता होगा उस मंत्र में तो गुरुदेव ने डायरी में लिखा है मैंने प्रणव वगैरह सब हटा दिए और मैंने कहा कि उस आवाज़ ने बेटा कहा था कि बेटा ऐसा करो तो इसलिए कुछ मेरा भले होगा तो मैं कृष्ण कृष्ण जपता हूँ तो गुरुदेव ने कहा वो सालों की आदत थी नाम जपने की वो सौ गुना तेज गति से वो कृष्ण कृष्ण शब्द का जो है वो जप होने लगा ठीक है तो ऐसा जैसे ही गुरुदेव को होने लगा तो फिर गुरुदेव को एक व्यक्ति रेलवे में काम करता था उसने गुरुदेव से कहा कि जो है उसमें वो बता रहे थे कि बड़ा गरीबी का दौर था आर्थिक तंगी की बड़ी स्थिति थी गायत्री की सिद्धि होने के बाद गुरुदेव की दशा और गरीब हो गई अच्छा गुरुदेव ने अपने स्पीच में कई बार कहा है ये गायत्री से जो धन मांगता है वो पागल हो जाता है ये शुद्ध सात्विक सत्ता है गरीबी आ जाती है बिल्कुल ठीक है लेकिन भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार है इनकी सिद्धि होने पर ये धन भी दे सकते हैं गायत्री केवल आनंद और वो तो दे सकता है ज्ञान धन कोई मांगता है तो वो पागल हो जाता है तो गायत्री की सिद्धि होने से गुरुदेव के बड़ी गरीबी के दिन आ गए है ना स्थिति ख़राब हो गई तो किसी ड्राइवर से बात कर रहे थे रेलवे में उसने कहा यार क्या बाबू जी आप पैसों पैसों की बात करते हो मैं आपको खजाने के पास ले चलता हूँ चलो जाम सर hmm. गंगाई नाथ जी के पास तो गुरुदेव ने उसमें बात को टाल दिया कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं ठीक है फिर गुरुदेव एक दिन किसी और से रेलवे के किसी ड्राइवर से दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि यार जो है स्वामी विवेकानंद को मैंने पढ़ा है वो ऐसा कह रहे हैं कि कोई गुरु होना चाहिए आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए इस स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर ये होना चाहिए होना चाहिए कहाँ मिलेगा ऐसा गुरु उस ड्राइवर ने कहा कि यार मैं घटना सुनाऊँ आपको कैसा गुरु तो पता नहीं कोई घटना से आपको समझ में आया तो कहा क्या हुआ कि एक बार मैं रेलवे स्टेशन पर मतलब ड्राइवर था वो ट्रेन के इंजन खड़ा था प्लेटफॉर्म पर तो एक साधु जो है वो वहाँ से ट्रैक के आगे से गुजर रहा था और लंबी दाढ़ी उसकी और ऐसे जटाजूट सन्यासी टाइप का है ना हाँ तो ड्राइवर बोला मैं इंजन में बैठा बैठा ऐसा सोच रहा था कि ये साधु लोग जो है क्या डाडी वाड़ी रखते हैं क्या नाटक करते हैं ये सारे ठीक तो मैं जैसे ही मन में ऐसा सोच रहा था उस साधु ने एकदम तो मुझे देखा घूम करके जैसे वो मेरे मन की बात को सुन रहा हो और देखा और फिर चल के मेरे पास आया वो बोला बच्चा तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो <laughs> तुम तो मैं तो डर गया बहुत <laughs> कैर मैं तो मन में सोच रहा था इन महाराज को यार मन की आवाज़ कैसे सुन रहा मैं तो नीचे उतर गया चरणों में गिर गया बाप जी जो है गलती हो गई तो वो के इंजन पे चढ़ के मेरी सीट पे बैठ गया वो साधु और बोला हम जामसर जाएंगे है ना तो आगे जामसर आता था उस ट्रैक पे तो उसने पूछा महाराज आप जामसर जामसर में रहते हैं आप कहा नहीं नहीं हम तो हिमालय से आए हैं जामसर में साक्षात शिव अवतार रहते हैं गंगाई नाथ जी महाराज उनके दर्शन करने जा रहे हैं तो मतलब कई साधु सन्यासी जो सिद्ध थे वो जानते थे कि शिव अवतारी गंगाई जी हैं तो उनके दर्शन करने हिमालय से लोग आया करते थे हाँ ऐसे गंगाई जी का जलवा था तो उस ड्राइवर ने गुरुदेव को ये स्टोरी सुनाई उसने कहा कि ऐसे जामसर जाते हैं साधु महात्मा कोई गंगाई नाथ जी है वहाँ पर तो वो बहुत सिद्ध हैं तो वहाँ जाओ तो गुरुदेव ने कहा यार उस दिन भी पूछ एक जन मुझे बोला जामसर जाओ ये भी मुझे बोल रहा है जामसर तो ये सब जामसर जाने के इशारे हो रहे हैं तो फिर गुरुदेव अपने उस नोन व्यक्ति के साथ जामसर गए दादा गुरुदेव को देखाओ दादा गुरुदेव में अगर आप जैसे आज भी मैं दादा गुरुदेव की फ़ोटो देखता हूँ सब भक्तों ने देखी होगी तो दादा गुरुदेव की आंखें जो है वो यहाँ से थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई ठीक है आपको भी गुरु नानक की फोटो देखें एकदम ऐसे अर्ध अर्धमिलिन नेत्र दिखाई दाएंगे आपको ठीक है अब चूंकि दर्शन का व्यक्ति हूं तो थोड़ा पढ़ा तो पता चला ये शाम्भवी मुद्रा है शाम्भ एक योग की श्रेष्ठ मुद्रा है जैसे खेचरी मुद्रा है शाम्भवी मुद्रा है है ना वज्रौली मुद्रा है कई प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख योग में आता है तो शाम्भ बड़ी श्रेष्ठ मुद्रा है तो उसका अर्थ ये होता है गुरुदेव से पूछा मैंने गुरुदेव ने कहा कि बेटा इस मुद्रा में यह होता है कि व्यक्ति को लगता है कि आंखें खोल के बाहर देख रहे हैं पर उसका ध्यान जो है उस ऐसे महायोगी गुरु का ध्यान यहाँ सबसे ऊपर शहस्त्र में जहाँ हजार दल के कमल पे ईश्वर विराजमान है उसका ध्यान डायरेक्ट वहीं रहता है वो हर समय ईश्वर से कनेक्टेड रहता है आ, सामने वाले को लगता है कि मुझे देख रहे हैं तो इसलिए उनकी आंखें थोड़ी चढ़ी हुई दिखाई देती है आप गुरु नानक की फोटो देख लें आप रामकृष्ण परमंश की फोटो देखें कबीर साहब की फोटो देख लें तो इन सब की आंखें वो शाम्भी मुद्रा में तो गंगाई जी की वो जो आंखें थी शाम्भवी मुद्रा में गुरुदेव गए जामसर गुरुदेव ने डायरी में लिखा है और गंगाई नाथ जी की आंखों को देखा गुरुदेव बड़े उससे फैसिनेट हुए कि यार ये बड़े जबरदस्त दिख लेकिन गुरुदेव ने पाँव नहीं छुए अच्छा। <laughs> ये घटना है अप्रैल मई के आसपास 1980 थी अप्रैल मई के आसपास जो है गुरुदेव पहली बार दादा गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जामसर गए लेकिन जो भी कारण रहा गुरुदेव ने उनके चरण स्पर्श नहीं किए और फिर जो है गंगाई जी ने भी उनको कुछ आशीर्वाद नहीं दिया गुरुदेव वापस आ गए लेकिन वापस आने के बाद भी गुरुदेव के वो आंखें घूमती रही दादा गुरुदेव की कि यार बड़ी जबरदस्त आंखें थी बड़ा अट्रैक्ट कर रही थी और गुरुदेव का फिर मन मनुमाग मैं वापस जाऊँ ठीक है तो गुरुदेव जो है फिर वापस पधारे वहाँ पर इस बार गुरुदेव ने गंगाई जी के चरणों को स्पर्श किया और गुरुदेव ने अपने स्पीच में साफ कहा है कि उन्होंने सिर पे हाथ रख दिया यहाँ पे तो सिर से लगा के एडी तक एक करंट पास हो गया पूरा तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो नाथों की शक्ति थी शक्ति पर दीक्षा देने की जो सामर्थ्य थी वो पूरी की पूरी गंगाई नाथ जी महाराज ने मतलब गुरुदेव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मुझे कितनी आध्यात्मिक शक्ति गंगाई नाथ जी ने दे दी मैं तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूँ ऐसी आध्यात्मिक संपत्ति जिसका मुझे अंदाजा ही नहीं है कितनी है वो गंगाई नाथ जी ने उसी समय गुरुदेव को दे दी और ये अप्रैल मई की घटना है नाइनटीन की और गुरुदेव जैसे ही वो मतलब एक तरह से गुरुदेव को सारी शक्ति दी और फिर उसके बाद गुरुदेव वापस आ गए और पता नहीं क्या हुआ जो गुरुदेव की मानसिक दशा जो है वो ऐसे ख़राब रहने लग गई गुरुदेव का मन नहीं लगने लगा और गुरुदेव नौकरी पर जाना गुरुदेव मतलब अगस्त का महीना आते आते 1983 का अगस्त आते आते तो गुरुदेव की ये स्थिति हो गई गुरुदेव ने नौकरी पर जाना छोड़ दिया जो रेलवे में बाबू थे गुरुदेव जाते थे काम का बिना कोई प्रार्थना पत्र दिए बिना कोई सूचना दी ऑफिस जाना बंद और फिर इतनी स्थिति हो गई कि गुरुदेव वहाँ से छोड़ करके सीधा अपने गाँव बीकानेर के थोड़ा सा पहले गाँव आता है पलाना जो गुरुदेव का गाँव है पैतृक गाँव है तो वहाँ गुरुदेव आ गए और नौकरी पर जाना बंद कर दिया ठीक है गुरुदेव ने अपने बुक में लिखा है मुझे कई इशारे हुए जामसर जाने के लेकिन मैं समझ नहीं पाया उसको तो नहीं जा पाए और 31 दिसंबर 1983 ठीक है पोष का महीना कृष्ण पक्ष की एकादशी और सुबह पाँच बजे के आसपास पाँच बज के और कुछ मिनट पे गंगाई नाथ जी महाराज जो थे उन्होंने जामसर में जीवित समाधि ली और गुरुदेव ने अपने स्पीच में फरमाया है कि पूरा जो हिंदू कुश पर्वत है पूरा उत्तर पश्चिमी जो भारत है यहाँ भूकंप आया भयंकर तो गुरुदेव ने अपने बुक में लिखा है कि गंगाई जी महाराज के ये देह छोड़ते समय जो भूकंप आया इसे ईसा मसीह का वो जो पीरियड वापस आ जाता है ईसा मसीह को जब सूर्य पर चढ़ाया गया तो प्रकृति ऐसे महायोगियों से जो बिछड़ती है तो कुपित हो जाती है प्रकृति तो वो बिछड़ना नहीं चाहते ऐसे योगियों से तो दादा गुरुदेव ने जब देह छोड़ी तो देह छोड़ते उसमें पूरा उस एरिया में भूकंप आया ठीक है तो गुरुदेव को उसमें गुरुदेव गाँव में सो रहे थे सुबह प्रातःकाल तो एक झटके के साथ गुरुदेव की नींद खुली और पूरा भूकंप से दहल गया हो पूरा क्षेत्र तो गुरुदेव को बाद में पता चला कि इस वह गंगाई नाथ जी ब्रह्मलीन हुए थे ठीक है लेकिन गुरुदेव वहाँ जा नहीं पाए फिर गुरुदेव ने लिखा है कि रेलवे स्टेशन पर कोई रामनाथ जी थे उन्होंने गुरुदेव को खबर दी कि गंगाई नाथ जी देव छोड़ चुके हैं तो गुरुदेव के धरती पाँव के नीचे से खिसक गई गुरुदेव बहुत दुखी हो गए गुरुदेव का एक्चुअली जीवन ये महापुरुषों का सबका जीवन मैंने देखा थोड़ा सा संकटों का रहता है तो गुरुदेव के जो भौतिक पिता थे वो भी तीन वर्ष की आयु में देह छोड़ के चले गए थे तो गुरुदेव का बिना पिता का ही जीवन रहा उनकी माता ने उनका पालन पोषण किया और फिर गुरुदेव ने कहा मेरे जो आध्यात्मिक पिता थे गंगाई जी उन्होंने भी मात्र कुछ महीनों का जो है वो मुझे छोड़ दिया अप्रैल मई में मिले और दिसंबर के अंदर 1983 में उन्होंने जो है वो समाधि ले ली तो गुरुदेव जो है लेकिन उसका एक आध्यात्मिक कारण बाद में जब गुरु चर्चा हुई तो पता चला कि जब तक वो गुरु उन गंगाई जी ने अपने शरीर से सारी शक्तियाँ निकाल के दे तो दी गुरुदेव को पर जब तक वो गुरु शरीर जीवित रहता है तब तक अगला गुरु शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता तो जब तक गंगाई नाथ जी जीवित रहे तब तक गुरुदेव उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाए तो उन्होंने देह छोड़ी और जो है ताकि वो शक्तियाँ फिर गुरुदेव के माध्यम से काम कर सकें तो शायद ये कारण रहा होगा तो गंगाई जी महाराज ने देह छोड़ी और फिर गुरुदेव की स्थिति और ख़राब हो गई गुरुदेव को रामनाथ जी ने कहा कि आप चलो गंगाई जी का पहला भंडारा है गुरुदेव बहुत दुखी हुए गुरुदेव ने मना कर दिया कि मैं तो वहाँ नहीं जा पाऊँगा फिर गुरुदेव जो है डूंगरगढ़ जो है उधर चले के गए कहीं और फिर गुरुदेव ने आगे लिखा कि मेरी स्थिति और ख़राब होने लग गई गाँव आ गया और फिर बड़ी एक गजब की घटना घटी <laughs> वहाँ एक लड़का था स्थानीय उसने गुरुदेव से कहा कि मुझे गंगाई नाथ जी मिले उन्होंने आदेश दिया है कि तुम जामसर जाओ इस बाबू को बोलना कि जो समस्या आ रही है इसकी ज़िंदगी में वो इसलिए आ रही है कि वो जामसर ही नहीं जा रहा है तो गुरुदेव ने कहा कि गंगाई जी तो देह छोड़ चुके हैं तुझे कैसे मिल गया गंगाई नाथ कि साहब सुबह स्वप्न में आते हैं मेरे और बोलते हैं आपको कहने के लिए कि उनको बोलना कि जो समस्या आ रही है उनको वो तभी ठीक होगी जब वो जामसर आएंगे तो फिर गुरुदेव उसको संदेश मांग करके जामसर गए वहाँ प्रार्थना की वहाँ गुरुदेव को फिर ध्यान की अवस्था में दादा गुरुदेव ने आदेश दिया कि भाई आगे का काम तुझे करना है ये मुझे जितना करना था मैंने कर दिया तेरे को मैंने सारी आध्यात्मिक सामर्थ्य जो है वो दे दी अब तू ये काम कर तो गुरुदेव ने तीस छः छियासी बड़ी फेमस डेट है गुरुदेव इस पीछ में बोलते हैं तो रट गई ये शिष्यों को तो तीस छः छियासी को छः साल और छः महीने पहले अपनी नौकरी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया गुरुदेव ने और उसके बाद फिर गुरुदेव जो है इस आध्यात्मिक पथ पर गुरु का जो आदेश था उसको पूरा करने के लिए गुरुदेव आगे बढ़े और फिर गुरुदेव ने ये जो है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र ए के इस संस्था की स्थापना भी की सिद्ध योग को पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए गुरुदेव ने अपने शरीर से जितना हो सकता है उतना गुरुदेव ने प्रचार प्रसार किया आज लाखों लोगों का कल्याण हो गया है और अभी तो ये मिशन शुरू हुआ है मेरा तो मानना है पूरी दुनिया में अंतिम व्यक्ति इस धरती का जब तक उसको भाई बड़ी सिंपल सी बात है जैसे मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ साइंस का व्यक्ति हूँ तो कोई भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा अगर उसको इतनी सी बात समझ में आ जाएगी कि भाई धरती पर कोई एक ऐसी तस्वीर है जिससे प्रार्थना करने से ध्यान लगता है कोई फोर्स कुंडली नहीं कहते हैं वो अवेकन होती है और ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होते हैं डिजीज ठीक हो रही है है ना इंटॉक्सिकेशन नशों से मुक्ति मिल रही है स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ठीक हो रही है और सबसे बड़ी बात है व्यक्ति की नेचर चेंज हो रहा है प्रकृति बदल रही है तामसिक से लोग सात्विक हो रहे हैं दुष्ट से लोग अच्छे हो रहे हैं ठीक है तो हमारी सोसाइटी की सारी समस्याएँ खत्म हो जाएगी इससे अगर तामसिकता हटेगी लोग सात्विक होंगे तो क्राइम बंद हो जाएंगे इस देश में ठीक है अगर सात्विकता से पढ़ाई में व्यक्ति अच्छा होता है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है रोग ठीक होंगे तो और क्या चाहिए व्यक्ति को तो क्या पूरी धरती पे लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए कि ऐसी एक तस्वीर गुरुदेव दादा गुरुदेव की तो ये ये सिर्फ समय का खेल बचा है है ना? ना ये होगा या नहीं होगा ये प्रश्न नहीं है प्रश्न सिर्फ इतना है कि वासुदेव कृष्ण की कब इच्छा है है ना कब इस पूरे प्लेनेट पे ये लोगों को पता चलेगा कि इनकी फोटो से ध्यान लगता है तो गुरुदेव ने आज जो मानवता के कल्याण के लिए हम लोगों के कल्याण के लिए जो मिशन शुरू किया है इस मिशन की शुरुआत जो की है वो बाबा श्री गंगाई नाथ जी मतलब मैं तो मानता हूँ दादा गुरुदेव का मिशन है ये और गुरुदेव को आदेश मिला तो गुरुदेव चूँकि दसवें अवतार हैं तो शिव आए और फिर भगवान कृष्ण को गुरुदेव को आदेश दिया तो गुरुदेव के माध्यम से तो ये अच्छा मैं चूंकि हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो हमारे हिस्ट्री में भी ये गुप्त काल आता है वह हम पढ़ते हैं कि पहली बार हरी हर की मूर्तियाँ बनी हर मतलब यानी शिव और हरि मतलब विष्णु दोनों की संयुक्त तो मूर्तियों की पूजा होती थी तो ये इनकी पुरानी जोड़ी है ये शिव और जो है विष्णु है ये हमेशा आते रहते हैं प्राचीन काल में भी ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी विष्णु थे हनुमान जी जो है शिव का अवतार थे ऐसा भी कहा जाता है ठीक है तो तो इनकी जोड़ी है तो अब अगली कड़ी में हम लोग आगे और चर्चा करेंगे ये कड़ी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो गंगाई नाथ जी महाराज के ऊपर उनकी कृपा से कुछ शब्द बोलने की सामर्थ्य समर्थ सदगुरु ने दी है है ना हाँ Uh, सर मेरा इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रश्न था गुरुदेव दादा गुरुदेव के पास कब गए ये पूरी जानकारी अभी आपने बताई बहुत अच्छा लगा और आपने अभी चर्चा की कि गुरुदेव गुरुदेव जाम सर जाते थे तो जितने भी गुरुदेव के अभी साधक हैं नए पुराने सब वो उनकी इच्छा होती है और कई लोग बोलते भी है आप लोग जाम सर जाओ तो आपकी इच्छा पूरी होगी वहाँ मांगते ही मिलता है ऐसा सुना है मैं भी गई हूँ वहां पे बहुत अच्छा और बहुत गहरा ध्यान लगता है निश्चित रूप से तो आप थोड़ी सी जामसर समाधि की मेहता के बारे में साधकों को बताए तो अच्छा लगेगा ठीक है चलिए थोड़ा सा हम पांच मिनट का और इसको आगे बढ़ा लेते हैं बाकी एक कड़ी और बनाएंगे हम लोग क्योंकि गंगा नाथ जी को एक कड़ी में समेटना तो शिव है उनको कौन समेट सकता है तो वो उनकी परम कृपा है कि वो दो शब्द कहने की सामर्थ्य उन्होंने दी है देखिए जहाँ तक जामसर समाधि की बात मैं 2003 में जोधपुर में पैदा हुआ जोधपुर में गुरुदेव का आश्रम है तो हम 2003 से गुरुदेव के श्री चरणों में रहे जुड़ तो हालांकि हम लोग गुरुदेव की जानकारी तो उनको पहले हो गई थी नहीं दीक्षा 2003 में मिली गुरुदेव की जानकारी तो मुझे 99 2000 के आसपास हो गई थी तो गुरुदेव वहीं विराजते थे, थे हमारा भी लकीली जन्म वहीं का है घर वहीं है तो लगभग हर गुरुवार को हर जब भी समय मिलता गुरुदेव के श्री चरणों में आश्रम में आ जाते थे कार्यकर्ता बनाए उनकी परम कृपा है तो खूब प्रोग्राम्स भी करवाए उन्होंने तो गुरुदेव को सुनने का खूब मतलब सौभाग्य मिला तो गुरुदेव से कई लोग चूँकि पूछते थे तो गुरुदेव कहते थे हाँ जाम जरूर जाओ समाधि पर जाओ ठीक है और एक बार तो बरसी पे बरसी होती है गंगाई जी का जिस दिन उन्होंने देह त्यागी उस दिन तो उन्होंने बताया गुरुदेव ने कि वहाँ जाओ समाधि पर वहाँ एक्चुअली क्या है जामसर में एक पीछे तो बनी हुई है समाधि आगे बना हुआ है वो स्थान जहाँ वो यज्ञ करते थे और इधर जो है योगेश्वर शिव का मंदिर बना हुआ है तो गुरुदेव ने कहा जब गुरु देह त्यागता है तो सारी ताकत उसकी समाधि में होती है तो वहाँ जो भी जाए जामसर समाधि है पीछे वहाँ समाधि पर जाए फिर गुरुदेव ने कहा वहाँ क्लॉक साथ परिक्रमा करके और जो मांगोगे वो मिल जाएगा आज के दिन तो बरसी का दिन था तो गुरुदेव ने ऐसा कहा था फिर कई बार स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स वाले लोग लो जो आते थे जैसे अब किसी को कोई भूत प्रेत तंग कर रहा है पितर वितर तंग कर रहे हैं उनको भी गुरुदेव कहा करते थे कि भाई ऐसा करो तुम जामसर जाके समाधि में प्रार्थना कर दो वो शिव हैं ये भूत प्रेत सब शिव जी के ही चेले चपाटे होते हैं है ना तो बॉस के पास चले जाओ तो चेले चपाटे तंग नहीं करेंगे ठीक है तो गुरुदेव खुद ने जामसर के लिए कई बार हम लोगों ने पूछा और वो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ फिर आपने पूछ लिया तो एक वीडियो है गुरुदेव का उसमें गुरुदेव ने बताया कि मेरा एक गोल्ड मेडलिस्ट शिष्य था अच्छा। वो गया वहाँ जामसर समाधि पे तो वहाँ बैठ के ध्यान करा तो ध्यान कर बैठा जैसे ही तो देखता है कि भगवान शंकर खड़े हैं समाधि पे बाघम्बर लपेटे हुए त्रिशूल हाथ में लिए हुए उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाधि के ऊपर शिव जी खड़े आँख खोल के देखे तो वह कुछ भी नहीं ठीक तो उसने गुरुदेव से आकर पूछा कि गुरुदेव ऐसे शिव तो गुरुदेव ने कहा सही है बिल्कुल सही है ये बात ये शिव अवतार है गंगाईनाथ जी इसलिए वहाँ शिव दिखाई देता है ठीक है तो शिव के अलावा कौन कर सकता है जी कौन दस साल भूखा रह सकता है कौन जो है दस्य अवतार का गुरु बन सकता है और किसी की सामर्थ्य की बात नहीं है इसलिए शिव अवतारी बाबा श्री गङ्गानाथजी महाराजको नमन समर्थ सद् गुरुदेव श्री रलजी को नमन जय गुरुदेव